राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में आने वाले लोगों को ही बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन इस क्रम में कल प्रकाश पर्व के मौके को देखते हुए श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की अनुमति दे दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। बता दें कि कल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। इस मौके पर श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए डीडीएमए ने यह फैसला किया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कुछ छूट दी जाएगी, यानी वीकेंड कर्फ्यू के दिन श्रद्धालु गुरुद्वारे जाकर मत्था टेक सकेंगे। ये फैसला श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के सामने डीडीएमए ने अपने इस फैसले में राहत दी है। डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी है। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।